पश्यानिसं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं पश्यानिसं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभोक्तिनिष्ठ वैरागरागरसिको भवभोक्तिनिष्ठ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपा जी ने बताए इसी जगत की जितना सारे व्यवस्थाएं बना बनाते हैं आदमी इसी जगत की जितने सारे व्यवस्थाएं सब टेम्पोरारी हैं इस जगत में जितना सारे व्यवस्था बना लेते हैं संसारी आदमी अपना सिक्योरिटी के लिए सारी व्यवस्था अस्थाई है टेम्पोरिरी है लेकिन माया में फंसे हुए आदमी ये सब जानते नहीं हैं शास्त्र में बताएं ये जो पद्म पुराण जी का पद्म पुराण में लिखा हुआ भागवत जी का महिमा इसमें इस श्लोक इस दे के शुरुआत किए पश् जगदीदम जगदिदम क्षणभंगो निष्ठम वैराग्य राग ऋषिको भक्ति निष्ठो ये गोकर्ण जी महाराज माया में फंसे हुए पिताजी आत्मदेव जी को ये उपदेश देते हुए ये बात कहा भले पिताजी बांचना चाहो तो हर वक्त चिंता करो ये जगत का कोई भी व्यवस्था आपको बचाने वाला नहीं किसी भी हालत से इसका बहुत सारे प्रमाण भी है इस जगत में बैंक की अमानती पैसा सुंदर मकान बहुत सारे सिक्योरिटी लेकिन फिर भी हृदय में कोई शांति नहीं है और मन में एक ठो एक किस्म का डर भय बने रहते हैं भय से छटकारा छुटकारा मिलने का कोई रास्ता नहीं हर वक़्त एक किस्म का टेंशन भय भागवत जी महापुराण में बत, बताया सुंदर करके भयम द्वितीय विनिवेश अवत विपर्जय स्मृति भय द्वितीय विनिवेशस्वात्ईशाद अपेतस्व विपर्जय अश्रिति तन्मया तो आभे तम बुध भक्त एसम गुरुदेव तात्मा ये सब श्लोकों का लंबा छोड़ा व्याख्या है सिर्फ इतना इतना बताना चाहूं कि भय कहाँ से उत्पत्ति होते हैं संसारी आदमियों का पर जब भगवान के चरण से गुरु वैष्णव का चरण से जब मन हट जाते हैं तभी डर आते हैं ये डर से कोई छुटकारा है नहीं क्योंकि ये अनजाने एक, एक डर सताते हैं हर, हर वक्त पद्म पुराण का महिमा में सुंदर बताया आप लोगों का ख्याल है आप लोग विचार करते हो शायद स्वर्गराज इंद्र जी महाराज बड़ा सुखी हैं क्योंकि ये वो तो स्वर्ग का राजा है सिंहासन में बैठे हुए बहुत सारे दास दासी कितना सारे नौकर चाकर कितना सारे सिक्योरिटी कितना सारे व्यवस्था है मौज मस्ती लेकिन शास्त्र में बताएं न च इंद्रस्व सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिन सुखम अस्थि विरक्तस्व मु रेखांत जीवन पद्मपुराण का आयुश भागवत जी का महिमा में लिखा हुआ है आप सोचते हो कि इंद्र जी सुखी हैं लेकिन बिल्कुल नहीं इंद्र जी सुखी नहीं हैं न च इंद्रस्व सुखम किंचिन्न न सुखम चक्रवर्तिन ये धरती का कोई भी चक्रवर्ती राजा वो भी सुखी नहीं है सुख कहाँ है इसका उत्तर देते हुए बताएं सुखम अस्थि विरक्त समुने रेकांत जीवन जो मौन व्रत धारण किए हैं जो एकांत में रहते हैं मौन व्रत को धारण किए हैं भगवान का चिंतन भगवान का कीर्तन शरण मनन में लगे हुए हैं इनके दिल में कोई भर भय डर बोल के कुछ नहीं है ये जो हमने बताए इसमें गलत समझने का भावना चांस है बला इधर जो बताए इंद्र का भी सुख नहीं है देश का कोई चक्रवर्ती राजाओं का भी सुख नहीं है आसुख किसका है सुख मस्ती विरक्त जो विषय से विरक्त हो गया है विराग जिसका आया है हृदय में विषय से मन हट गया है उसका कोई डर नहीं है विराग का दो किस्म का व्याख्या हो सकता है वैराग्य विराग जिसको बोला बोला जाता है एक है विशेष रूप में अनुराग वो है विराग भगवान का चरण में विशेष रूप में अनुराग पैदा हुआ तो उसका दिल में कोई डर नहीं रह सकता और एक व्याख्या हो सकता है विगतो राग बिगोतो राग अर्थात जिसका विषयों में जो प्रेम था वो हट गया तो दोनों का एक ही माने होता है विश्वास से दिल हट गया मतलब भगवान में लग गया और भगवान में लग गया मतलब विश्वास से दिल हट गया मौनो व्रत तो किसको बोला जाता है जिसका जीवन में संसारी बातें बोलने का कोई इच्छा नहीं है जिसका दिल में हर वक़्त भगवान का कीर्तन स्मरण करने का इच्छा है इसका ही बारे में बताया गया जो मौन है मौन मतलब एकदम चुपचाप हो जाना ये अर्थ नहीं है कोई कोई संप्रदाय इसका माने ये रखता है कि चुपचाप हो जाओ कुछ बात मत बोलो ये नहीं इसका भक्ति पर व्याख्या ये है जो संसार का कोई बात मत बोलो केवल भक्ति का बात भगवान का कथा कीर्तन ये बोलने से मौनता खंडित नहीं होता व्रतो खत्म नहीं होता तो सुखम अस्थि विरक्त स्व मुनेर एकांत जीवन जो मुने अर्थात मौन व्रत तो धारण कर लिया भगवान का कथा भगवान का चिंतन छोड़ के समाज संसार का कोई बातें नहीं उठाने का इच्छा जिसका दिल में है उसका दिल में बराबर सुख पैदा होगा अभी इंद्र जी महाराज सुखी हैं आपको लगता है लेकिन भागवत से दो एक उदाहरण दे के प्रस्तुत करें उसका बाद संसारी आदमी का क्या हालत कैसे सुझाव सल्यूशन निकल सकता है इसका बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और इसके द्वारा ऑटोमेटिकली चैतन्य महाप्रभु का जो अवदान का इसका भी थोड़ा बहुत स्पर्श कर देंगे क्योंकि मठ के तरफ से आए हैं ये नहीं बताने से बेकार हो जाएगा इंद्र महाराज जी स्वर्ग का राजा है और स्वर्ग का राजा होने के नाते इनका दिन में थोड़ा गर्व है अभिमान है हम स्वर्ग की राजा हैं बृहस्पति जी गुरु हैं गुरु जी देव गुरु बृहस्पति इन्होंने एक दफे इंद्र जी का पास आए और भरा सभा में नित्य गीत चल रहा था महफिल उसमें देवगुरु बृहस्पति को देखने का बाद भी इंद्र जी महाराज उठ के खड़ा नहीं हुए स्वागत नहीं किए देवगुरु बृहस्पति हैं ब्रह्मज्ञ इनके अनादर के कारण अभिमानी है दिल में जब अभिमान रहता है तो अब किसी को अनादर करने का साहस पैदा होता है बहुपात बोलते हैं अपने को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानने का कारण दूसरे को अपमान करने का एक इच्छा स्वाभाविक रूप में पैदा होता है लेकिन चैतन्य महापू जी का दिखाया हुआ तीर्णादु सुनिश्चन तौर सहिष्णुना अमान मानो दिनो की सदा हरि कीर्तन करने वाले का एक ही ये जबरदस्त एक क्वालिटी होते हैं गुण गुण होते हैं त्रिनाद सुनीच तिनका से भी नीचा इसमें संदेह आ जाएगा बहुत सारे श्लोक इधर चर्चा करने का सुजग नहीं है कैसे कृष्णदास कुराज गोस्वामी अपने को दिनहीन मानकर प्रस्तुत किए अपना परिचय को कृष्णदास कुराज गोस्वामी प्रस्तुत किए ये जो परिचय ये आपको लगेगा कि महाराज ये तो बनावटी है ये परिचय कभी भी हो नहीं सकता हम संसारी लोगों को बचाने के लिए सब बात बोलते हैं यहाँ तक कि संत समाज में जो नाम एंट्री किए हैं इनके चरणों में भी मेरा ये प्रार्थना है जे त्रिणादो सुनिच ये सब कोई का दिल को स्पर्श करे तो समाधान हो सकता नहीं तो समाधान नहीं है त्रिणादुपी सुनिच का माने क्या है हम तो समझे नहीं त्रिणादुपी सुनिच का माने क्या है महाराज तिनका घास को छाँट दिया आपने तिनका का ऊपर आपने पैर रख दिया तिनका सर झुका लिया और इसके बाद जब पैर हटा लिया तीन का ऐसा कर लिया समझा मेरा बात तिनके का ऊपर आपने पैर रख दिया आपका प्यार के द्वारा वो तो अवनत हो गया लेकिन जब प्यार हटा दिया तो फिर से ऐसा हो गया तो इसलिए किस हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु जी बताए जे तिनका से भी नीचा ऐसा है कि गौ और छागल गौ माता छागल अगर वो घास को खाना चाहे, वो भी संभव नहीं क्यों इतना छटा हुआ है इतना जमीन का साथ लगा हुआ है देखने में बड़ा शोभा है लेकिन खाने जाओ तो गोमाता का उसे पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है ये बोलने का कारण क्या है हम तो समझा नहीं बात भले जब तिनका से थोड़ा ति, तिनका से भी तिनका से भी नीचा एकदम अंग्रेजी में बोलते हैं हम बलर देन द ब्लेड ऑफ ग्रैस घास को छाटना छाटने का बाद जो एकदम टिप्स रहता है उनसे भी नीचा हो जाओ तो आपको भगवत प्राप्ति हो सकता है और आपको आपका हृदय में गुरु वैष्णव के कीपे, कीपा के द्वारा हरि संकीर्तन वास्तव निकल सकता है अब ये प्रश्न होता है महाराज दुनिया में तो हमने बहुत आदमी देखे बड़ा विनम्र प्रकृति आओ महाराज बैठो दंडवत ऐसा तो करते हैं अब हम समझे कैसे कि इसका दिनाद भी है कि नहीं है ये तो समझने वाला बात थोड़ी है बाहरी दृष्टि में विचार के द्वारा ये समझना संभव नहीं है इसके लिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपात एक रास्ता बता दिया इनके द्वारा एकदम तुरंत तो आप समझ जाओगे इसका अंदर में त्रिनाद भी है कि नहीं ये जगत में किसी आचार्य आज के बताए नहीं बागती सिद्धांत सरस्वती स्वार्थ गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताए अगर जिस महात्मा का महात्मा अगर आप संसार में रहते हुए आपका हृदय महान हो गया अर्थात भगवान का चरण को प्रश्न किया तो आप क्या महात्मा नहीं है घर में रहते हुए संत होता घर में रहते हुए बहुत देखे हमने और तैगी बेस बनाने का बाद भी संत नहीं हुआ बेस बना के रखे हैं तो पाउपा जी ने बता दिया ये विचार करने का एक ही रास्ता है बाहरी दृष्टि में बहुत आदमी मीठा बोली बोल सकता है मीठा छोरी और बैठा लेगा बहुत भोजन भी दे सकता है आपको दंडवत भी कर देगा बहुत सारे ये त्रीणादपी का कोई जजमेंट नहीं हो सकता पाऊपा जी ने बताए जिस संत महात्मा का हृदय में देखोगे प्रतिष्ठा प्राप्ति का जारा सा भी कोई इच्छा नहीं है गंदगी भी नहीं है इच्छा तो दूर की बात जिनके हृदय में प्रतिष्ठा प्राप्ति का जारा सा भी गंदगी नहीं है जैसे हिंगूर किसी पात्र में रख दिया एक साल बाद वो पात्र को देखो हिंगूर नहीं है लेकिन इसका अंदर में हिंगूर का गंध जरूर आएगा कपूर भी ऐसा है एक साल पहले रखा हुआ था थोड़ा बहुत गंदगी आएगा रघुनाथ दास गोस्वामी भी सुंदर बताए इतना चर्चा करने से फायदा नहीं कोई आदमी भी नहीं है ऐसा परिवेश में हरी कथा बोलने का भी हमारा अभ्यास भी कम है लेकिन आए हैं क्या करें और बात ये है जब हृदय में प्रतिष्ठा का बिल्कुल गंदगी भी नहीं है तब वो तीनाद भी सुनिज में प्रतिष्ठित हैं इनके द्वारा जो संकीर्तन होता है ये आपका हृदय को स्पर्श करेगा आज नहीं तो काल काल नहीं तो परशु होगा इंद्र जी महाराज गुरु जी को अपमान किए खरा नहीं हुए तो इनके बाद गुरु जी सोच लिए कि इसका अंदर में अभिमान पैदा हो क्यों ऐसा जो है हमारा शास्त्र में कहावत है जे सन्यासात वैराग्यो वैराग्याद अभयम ये जो अभय का बाद हमने चर्चा किया तो एक एक पॉइंट को चर्चा में बहुत समय लगे लेकिन मूल विषय से हट जाने का मेरा इच्छा नहीं है जब सन्यास होता है सन्यास का व्याख्या ये नहीं है किसी ने लाल वर्दी पहन लिया और दंड ले लिया सन्यास तो सन्यास है ही है अगर वास्तव हृदय में संसार से मन हट गया भगवान का चरण में लग गया श्री चैतन्य महापुर सन्यास लेने का बाद इसी का व्याख्या ऐसे किया मुकुंद चरण का सेवन मृतो गोहन कर लिया अपना दिल में दूसरा कोई ख्वाहिश है नहीं बस एक ही चिंतन है कैसे सर्वांगीण रूप भगवान मुकुंद का चरण का सेवन करे परिपूर्ण रूप से उनको संतुष्ट करे ये विचार जिसका हृदय में आया है ये सन्यास है बाहरी दृष्टि में डना दंड लेने से ही सन्यास नहीं बनता दंडो का अर्थ है काय मन वाक्यो तीनों के द्वारा अपना ऊपर शासन चलाना जैसे अंतिम में क्या हो भगवान का चरण में सेवन वृत्ति बिल्कुल एकदम लग जाए यहां तक कि गीता में सन्यास का व्याख्या भी किया है गृह में गृहों में रहते हुए जिसका दिल विषय से हट गया भगवान चरण में लगन लग गया तब उसका सन्यास व्रत सन्यास का ये व्याख्या है सम्यक रूप से न्यास करना न्यास मतलब न्यास कथा का तात्पर्य है गच्छित रखना युक्त न्यास इत सन्यास अतः चित आनंदमय भगवान का चरण में आपने को समर्पित करने का ये जो विधान है परिपूर्ण रूप डेडिकेशन देडिक, पूरा जीवन का ये जो व्रत है इसको बोलता है वास्तव सन्यास।, सन्यास होने का साथ साथ ही आपका हृदय में क्या होगा संन्यासा वैराग्य वैराग्य पैदा होगा विराग जिसका व्याख्या थोड़ी देर पहले किया जब वैराग्य आ ही जाएगा तब अभय आपको दूर नहीं है अभय ऑटोमेटिक हो जाएगा अभय के लिए दूसरा प्रचेषा का दरकार है नहीं हम अभय बनाने की कोई सिक्योरिटी फोर्स लगा दे कुछ ऐसा अमानित पैसा को बैंक में लगा दे कि देश का कुछ भी हालत हो मेरा चाहे देश का कुछ हालत हो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं ऐसा नहीं है भयम द्वितीय विनिवेश अपतस्व विपर्य अश्रिति इसको श्लोक का व्याख्या किया ताबद भयम द्रविण देह सुहित निमित्तम इत्यादि श्लोकों का भी व्याख्या करे तो बहुत लंबा सुंदर उस समय तक तो आपका दिल में भय बने रहेगा जिस समय तक तो आप भगवान का चरण में आत्मसमर्पण नहीं किए हो हमारा शास्त्र में चैतन्य श्रद्धा में तो मैं बताते हैं आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मरे अकारण जो आश्रय ले, ले लेते हैं वास्तव आत्म आत्मसमर्पण कर देते हैं इसका भजन बनता है और इसका लिए भगवान भी चिंतन करते हैं आश्रय लई अभाजे तारे कृष्ण नहीं तेजे समझ में आ रहा है आपका इसको भगवान त्याग नहीं करते जो आश्रय ले लेते हैं गुरु वैष्णव के चरण में वास्तव गुरु वैष्णव के चरण में सदगुरु के चरण में किसी कपट व्यक्ति के चरण में आश्रय लिए हो उसका लिए मैं जुमा नहीं हूं तो वहां बताया कि आश्रय जो आश्रय लेके भजन करते हैं उसको कृष्ण की किसी भी हालत से त्याग नहीं करते और आश्रय लोइया भाजी तारे कृष्ण नहीं तेजे आज सब मरे कारण अब बाकी दुनिया जो है वो उसका तो आत्मसमर्पण नहीं है चाहे किसी भी समय वो गणेश जी का पूजन कर लिया शंकर जी का पूजन कर लिया देवी जी का पूजन कर लिया वो करता है लेकिन देवता लोगों का जो क्षमता है ये पूरा क्षमता नहीं दिया गया पूरा क्षमता नहीं दिया गया भगवान का हाथ में सब कुछ है ये लोगों का हाथ में थोड़ा थोड़ा क्षमता दे के दे के रखा है जगत का पालन के लिए ब्रह्म संगीता भी सुंदर बताया है जो ये सब देव देवी हैं ये सब देव देवी आप आप लोगों को जो थोड़ा देखवाली करेंगे तो आप चिंतित हो जाते हैं कि महाराज हम इसका पूजन न करें हमारा मुसीबत हो सकता है काल भी ये प्रमाण दिया था हमने भगवान का उपासना करे तो उसमें कोई दूसरा समस्या आ ही नहीं सकता भगवान का चरण में समर्पित आत्मा का को कोई समस्या हो नहीं सकता इंद्र जी महाराज गुरु जी को अपमान करने का बाद गुरु जी क्या किए ये जो कर्मकंडी में कर्म कांड में फंसा हुआ संसारी आदमी का समस्या को थोड़ा हम दिखा रहे हैं कि समस्या दिखाए उसका समाधान आए समस्या समझे नहीं बस मातम हाँ ठीक ही है महाराज क्या समस्या है हमारा सब तो ठीक ही है समस्या कहाँ है ये बद्ध जीवों का समझने का बाहर है वो सोचते हैं हम ठीक है जैसे भागवत में बताया हुआ जो बहुत सारे दारू पी लिया है इतना दारू पिया है तो वो उसका अपना कापड़ ठीक है कि अपना जो कापड़ है वो अपना शरीर में है कि नहीं उसका पता नहीं चलता और उसको आप बचाने जाओ नाला में पड़ा हुआ है कि कीच में पड़ा हुआ है बोलो उठाने जाओ वो बोला हमको छोड़ दे हम ठीक है तो अपना धंधा कर दारू पी के पड़ा हुआ है सारे शरीर खराब हो गया पूरा जमींदार का लड़का है कमीज पूरा खराब हो गया उसका जितना सारे कीच लग गया उसको बचाने जाओ तो हमको छोड़ दे तू तो अपना काम कर हम ठीक है तो संसारी आदमी विषयों का नशा नशे में ऐसे डूबे हुए हैं तो वो सोचते हैं हम ठीक है संत महात्मा का कोई जरूरी है नहीं वो तो पुनामी पुनामी टुक टाक लेने के लिए आते हैं हमारा साथ क्या काम है लेकिन ये मत समझो वास्तव संत महात्मा का कोई लेना देना नहीं है आपका साथ काल छ किस्म का विनिमय बताया था अगर किसी का सौभाग्य है संत महात्मा का साथ ये विनिमय कर लिया तो उसका मंगल का रास्ता खोल जाते हैं ददाथी प्रतिगिन्नाथी पृछती गुजमाचाति गुजमाख्या भूंगते भजयते चैव स्वरविध प्रतिलक्षणम ये जो छ किस्म का प्रतिलक्षण ये अक्सर संसारी आदमियों में चलता चलते रहता है ये प्रति लक्षण ये सड़भ भी तो सौ किस्म का जो प्रीति किसी को कुछ देना किसी से कुछ लेना है किसी को बोलना किसी से कुछ सुनना किसी को खिलाना किसी से खाना ये तो संसारी आदमी को बोलने का इंस्ट्रक्शन देने का दरकार नहीं चलते रहते हैं और गोपी जी भगवान देवावती माता जी जो प्रश्न किए कपिल जी भगवान यही बोलते हैं यह जो ये जो संसारी आदमी का अंदर में जो रिलेशन है संपर्क है इसके द्वारा संसारी आदमियों का बंधन हो जाते हैं जो रिलेशन बना के रखता है संसारी आदमियों का अंदर जो रिलेशन चलता चलते रहता है आपस उस में उसमें बंधन होता है क्योंकि एक बद्ध जीव दूसरे जीव को हेल्प करते हैं लेकिन कई मुक्त पुरुष महापुरुषों का साथ आपका ये छ किस्म का जो विनिमय है अगर हो गया तो इसके द्वारा आपका क्या होगा मुक्ति का रास्ता खोल जाएगा इसमें बंधन तो हो ही नहीं मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा कपिल जी महाराज देवाहुति जी को बोलते हैं जे ये जो संबंध है संसारी आदमी करते रहते हैं इसके द्वारा बंधन हो यही अगर संत महात्मा का साथ बन जाए ये क्या होगा मुक्ति का दर खुल जाएगा और कोई असुविधा नहीं होगा कर्मकंडी में फंसे हुए आदमी का हालत दिखाने के लिए हम दो एक उदाहरण दे रहे हैं आपको समझ में जरूर आ जाएगा हम बहुत सीधा बात बोलने बैठे हैं महाराज जी बोला गप बोलना थोड़ा कठिन बात नहीं बोलना कर्मकंडी में सब आदमी फंसे हुए हैं शुद्ध भक्ति किसी का अंदर होना बहुत मुश्किल कब होता है कैसे साधन बक्सी से धीरे धीरे ऊपर जाते हुए कब होता है इसका बारे में लंबा चौड़ा चर्चा है इंद्र जी महाराज अपमान किए देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि इसका अंदर में अभिमान पैदा हुआ तो इसका शिक्षा देने के लिए अंतन हो गए अंतर्ध्य मतलब गुरु जी को ढूंढो अब मिलेगा नहीं अंतन जानते हो अपना शरीर गुरु जी कहां है आप ढूंढने का कोई रास्ता नहीं है अदृश्यता अदृश्य हो गए थोड़े देर बाद जब महपिल उस सभा समाप्त हो गया नृत्य इंद्र जी का दिमाग में आए कि महाराज हमने तो बड़ा गलती किया हमने तो बिल्कुल ठीक नहीं किया क्या क्या काम हमने किया उचित नहीं था देवगुरु बृहस्पति हम लोग का गुरु है अरे गुरु जी आते हुए देखे हमने उठ के खड़ा नहीं हुए और दंडवत प्रणाम तो दूर की बात है स्वागत करना तो चाहिए था लेकिन किए नहीं इसका क्या हालत होगा बाद में देव लोगों का सामने बोले हमने बड़ा भारी गलती कर लिया इसका क्या समाधान है अब हम काम करें गुरु जी को गुरु जी का चरण में अपना मस्तक को रख के रोते रोते बताएंगे जरा सा आपका बच्चा भूल कर दिया तो आपको क्षमा करना लेकिन मिले तब ना गुरु जी मिले नहीं गुरु जी अदृश्य हो गए अदृश्य होने के कारण सारे जाग जगो जो कर्मकांडों का विधान है जिसके द्वारा स्वर्ग लोगों का स्वर्ग लोग चलते रहते हैं सारे समाप्त तो हो गया क्योंकि तो कौन कराएगा गुरु जी हैं वो भी पुरोहित हैं प्रधान आदमी देवता लोगों को बचाने वाला तो वही है देव गुरु जी अब गुरु जी चले गए तो किसका शरण में जाए कौन कराएगा जाग यज्ञ सब कुछ वो तो खत्म होने वाला है अभी ऐसा हो गया उस समय में क्या करे उस समय में क्या करे ना इंद्र जी महाराज बड़ा समस्या में पड़ गए बड़ा समस्या में पड़ गए उन्होंने सोचे कि महाराज जाग यज्ञ करने के लिए पूछे ब्रह्मा जी को बोले काम करो गुरुजी का चरण में अपराध की गुरुजी तो मिलते नहीं और एक काम करो त्रोष्टा ऋषि का जो नंदन है लड़का है उसका विश्वरूप इनके चरण में जाओ ये इसका ताकत है बड़ा ब्रह्मचर्य है बड़ा ब्राह्मणिज्म उसका जो ताकत है भजन का बहुत है उसको पकड़ लो चरण वो आपको सब कराएगा जाग जोग को सब कराएगा ठीक है महाराज सारे देवता लोग जाके इनके चरण में शरण लिए है तो देवता लोगों से बच्चा है लेकिन फिर भी जाए तो काम हासिल करने के लिए और जाके प्रार्थना किए बेटा आपको एक काम करना है आपको पुरोहित का रूप में हम वरण करते हैं गुरु का वरण में हमारा गुरु गुस्सा हुए अदृश्य हो गए हमको मिल मिलता नहीं गुरुजी जी कहाँ गए तो के काम करो हमारा जाग जोगो रुक रहे हैं तो ये थोड़ा करवा दो और दान दक्षिणा तो देंगे उसको बात दूर की बात है तो उसके बाद उसका चरण पकड़ के उसको लेके गए और महाराज जाग जोगो चल रहे हैं जब जब जग्गो चल रहे हैं चलने का साथ साथ देवराज इंद्र बैठा हुआ है क्योंकि वो तो जजमान है बैठे हुए हैं और गुरुजी मंत्र पाठ करा रहे हैं चल रहा है यज्ञ हवन किया चल रहे हैं करते करते अचानक इंद्र जी महाराज को तुरंत नजर में आ गया कि चिल्ला चिल्ला कर ये हमारा ये पुरोहित है जिसको गुरु जी, गुरु का आसन में बैठाया ये कपट है ये चिल्ला चिल्ला कर देव देवता का भाग दे रहे हैं कि तो जब हम इधर उधर देख रहे हैं कुछ काम में व्यस्त हैं तो वो गुप्त रूप से असुर लोगों के भी भाग दे रहा है जब ये नजर में आ गया तो उसका इतना गुस्सा चढ़ गया कि महाराज रहा नहीं गया उन्होंने क्या किया तुरंत अपना तरवाल को उठाए और योग्य स्थल में गुरु जी का वो को तीन सर को काट डाला पूरा महाराज योग्य स्थल जग चल रहे हैं इसका डर नहीं है खून निकाला है और भी ब्रह्म ये जो ब्राह्मण हैं इसको ख़त्म किया ब्राह्मण तो है ही है फिर गुरु जी का चरण गुरु जी का रूप में उसको वरण किए हों सारे इकट्ठा इसका पाप उसको लग गया अब बेचारा कहाँ जाए अब बेचारा कहाँ जाए इसका तो ऐसा हालत हुआ कि वो बचने का कोई रास्ता है नहीं देखो कर्मकांडी का क्या हालत है हम ये दिखा रहे हैं भागते भागते कहाँ जाए बेचारा भागते भागते कहाँ जाए तो भागने का क्या रास्ता है उसका बाद समाधान दिया सब ऋषि ने इकट्ठा होकर समाधान दिया बोले ये पाप को चार हिस्सा में बांट देंगे पानी ले लेंगे भूमि ले लेंगे स्त्री है पेड़ ये सारे ले लेंगे कैसे एकादशी क्यों करना पड़ता है ये भी उत्तर आ जाएगा ये महाराज एकादशी का जो दिन है इसी दिन ये जो इंद्र जी ने जो तक किए थे ये सब पेड़ पौधा स्त्री जाति मैया लोग पानी भूमि ये चार हिस्सा बंटवारा हो गया बोले हम ले लेंगे आपको छुटकारा दिला देंगे चलो इस बार के लिए बच गया इसी समय जो पेड़ पौधा एकादशी का दिन में जितना सारी जो ब्रह्मोत्ता का पाप इसमें चढ़ के रहते हैं एकादशी का दिन पंचशत सौ वर्जन है और फल मूल आदि भोजन करने का विधान है वो भी अगर असमर्थ है बिना पानी रहने का तो विचार है एकादशी भी बहुत किस्म का होता है एक आहार निराहार निरंबू बहुत सारे आज जो खाते रहते हैं एकादशी का बहुत भूख एक घंटा आगे एक सेब खा लिया दो घंटा बाद अमृत खा लिया तीन घंटा बाद खाजर खा लिया सरबत खा लिया उसका एकादशी क्या मिलेगा एक आहार का विधान है एक आहार कम से कम थोड़ा सा बचने के लिए जिसका समर्थन नहीं है बहुत सारे प्रोसीड्योर है कभी समय मिले आप लोगों में आग्रह पैदा हुए ये तो दो चार आदमी बैठा हुआ है सामने कौन सी लंबा चौड़ा बात है तो इसमें क्या है आपको जानकारी मिलेगा कि एकादशी का दिन अगर ये पंचोश आदि खाना शुरू कर दो इसमें आपका पाप आपका ऊपर रहेगा ही रहेगा से छुटकारा है नहीं इसलिए एकादशी का दिन ये सबसे बच के रहना है एकादशी करना है और क्यों इसका उत्तर हमने अभी दे दिया इंद्र जी महाराज बच गया अभी बंटवारा हो गया इंद्र जी महाराज बच गया तो ठीक है लेकिन कहाँ तक बचे कर्मकांडी व्यक्ति जहाँ तक व्यवस्था करे एक्सट्रीम पॉइंट उसका बाद भी उसका सुझाव सल्यूशन निकालता नहीं इसको देखो तो जिसको मार डाला विश्वरूप जी उसके पिता थोड़ी छोड़ेगा उसका पिताजी कौन है त्रष्टा त्रष्टानंदन है वो बोले देवता लोग का इतना हिम्मत है मेरा लेरका को गुरु पद में वरण किया और पैर पकड़ के लेके गया वहां जाके गुरु को मारा ब्रह्मा ब्राह्मण को मारा सारे सब जो हरकतें हैं बदमाश किए हैं इसका जवाब हम देते रहेंगे उन्होंने क्या किया उन्हें योग्य शुरू किया उन्होंने ऐसा एक व्याभिचार योग्य शुरू किया जिसमें क्या है कि इंद्रों के मारने वाले एक आदमी पैदा हो जाए एक ऐसा शक्ति पैदा हो जाए कोई इंद्रो के ऐसा खेल खेल में मार डालेगा लेकिन होनहार का खेल है भगवान का इच्छा है ओ क्या किया जब ये हवन यज्ञ करने बैठा यज्ञों का कारण उसमें सांस्कृत में थोड़ा प्लूतो जो जो शब्द जोड़ में बोलना है उसका माने एक हो जाएगा जो शब्द आस्ते बोलेंगे उसका माने एक हो जाएगा एक ही शब्द जोर से बोलोगे उसका माने एक हो जाएगा आस्ते बोलोगे तो उसका माने अलग हो जाता है ये जो वे पढ़ा हुआ है वो सब जानते हैं तो उन्होंने जो हवन करने का समय में ऐसा किया उसमें ऐसा मंत्र उच्चारण किया उसका थोड़ा मंत्रो इधर उधर हो गया माना प्रोनाउंसिएशन में जरा सा गलती हो गया गलती होने का कारण इंद्रों को मारने वाला जो पैदा होना था इसका उल्टा हो गया इंद्रो जिसका हंता इंद्रो जिसको मारेंगे वो पैदा हो गया अब सोचो कर्मकंडी का क्या रास्ता है इसके बाद बित्ता सुर पैदा हो गया बित्ता सुर के बहुत कहानियां हम नहीं बताएंगे और पैदा होने के बाद बित्ता सुर ने क्या किया हाथ से उठा उसके बाद चलना शुरू किया उसका एक एक पद के द्वारा पृथ्वी हिलने लगे ऐसा उसका केश और मस्तक तो ये जो आसमान में मेघ है बादल चलते हैं इसका ऊपर इसके बारा हाहाकार मच गया चारों ओर और, और देवता लोगों में हाहाकार मच गया और देवता लोग ने सब सोचे कि ऐसे बांचने का क्या रास्ता है ये जो पैदा हुआ ये तो पल पल में सब मार डालेगा सब देवता बचने को का कोई रास्ता नहीं ऐसे पैर देखे ऐसा जाएगा पैर से कुचल जाएगा सारे क्या कैसे बचा जाए कोई रास्ता नहीं मिला कोई रास्ता नहीं मिला क्या करे कोई रास्ता नहीं मिला पागल हो गया और बड़ा युद्ध हुआ भयंकर एक साल तक युद्ध हुआ नर्मदा का किनारे किसी भी हालत से बितासुक को मारने का कोई रास्ता नहीं निकला क्या होगा यह समस्या अभी हो फिर देवता लोगों का जो रक्षा करता भगवान गलती तो किया ही है तो समाधान हुआ ये ब्रह्मा जी बता दिए काम करो तुम्हें तो काम का दुधीची मुनि के पास जाओ दुधीची मुनि भजन करते हुए दिखाई पड़े और सब जाके दुधीची मुनि के चरण में जाओ वहाँ जाके उनके चरण में शरण लो वो अगर अपना शरीर को दे दे इतना तपस्या इतना भजन के द्वारा उसका तेजमय शरीर है इसके हड्डी लेकर अगर आप वज्र बनाओगे ये वज्र अभ्यर्थ होगा इसके द्वारा उसका मौत हो सकता नहीं तो होगा नहीं एक ही रास्ता है तो दधीची मुनि के चरण में शरण लिया तो मुनि पहले बड़ा मजाक किया अरे बड़ा भारी आपने आए हो उपकार लेने के लिए लेकिन ऐसा बताओ कोई अपना शरीर देता है अपना शरीर देके ऐसा मजाक किया देवता लोग का एकदम डर के मारे भर गए एकदम भयभीत हो गया उसके बाद ददीशी मुनि बताएं कि देखो साधु संत तो वो होता है जो अपना शरीर अपना सब कुछ का विनिमय में दूसरे को अभय दान करे तो हम देने के लिए तैयार है तो आपके साथ मजा किया थोड़ा लो हमारा शरीर बोल के अपना शरीर को छोड़ दिया तो दधुषी मुनि को हड्डी को लेकर अभी वज्र बनाया बज्र बनाया कौन विश्वकर्मा ने वो बज्र के द्वारा फिर लड़ाई करने के लिए मैदान में उतारा है और महाराज जो लड़ाई चला वो सुनने का लायक है और उसके बाद हाथ से सब कुछ बज्र भी गिर गया था बीतसुर भाग माँ भागवत है पहले जन्म में वो चित्तकेतु के राजा था बहुत सारे कहानी है तो उसके बाद बज्र चलाया उन्होंने बोले बज्र चला शर्म की क्या बात है ये तो युद्ध चल रहा है उठा लो बज्रों को मारो मैं भयभीत नहीं हूं दो हाथ कट गया अभी तसुर ऐसे ही चल रहा है और फिर इसका गले के सामने वो बज्र आ गया बज्र काट रहा है पूरा बज्र काटते हुए पूरा गले को काटते हुए गिरते हुए जो देखा इसमें बहुत समय लगा बहुत समय काट के गिरा है बहुत समय आप सुने को तो हैरान हो जाओगे कई महीना फिर धीरे धीरे काटते कितना सारा उसका गले का जो साइज है तो उसका बाद फिर ब्रह्म ब्रह्मता का प्राप है ब्रह्मता का बाप लगा क्योंकि अग्नि से उठा है लेकिन वो चिल्लाते हुए बोले हमारा भाई है हमारा भाई को तू मारा वो ब्राह्मण है फिर गुरु भातृहा गुरु हा बंधुआ वो जो हमारा अपना भाई और तेरा गुरु गुरु को भी तू मारा सारे संबंध जो है आपने किया है इसका चुकाते रहेंगे हम उसका बाद जो होना था वही हुआ बित्तासुर सरी छोड़ दिए सरी छोड़ने के पहले जो जो सुंदर उपदेश दिए हैं जब तक धरती रहे और संत महात्मा रहे संसारी आदमी रहे उनको ये शिक्षा को सुनना चाहिए हम तो इस बारे में बताएंगे नहीं उसके बाद जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा उसको उससे बचने के लिए वो दौर के कहाँ तक जाए भागते 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 पागल हो गया और मानस सरोवर में जाके महाराज डुबकी लगाया और लक्ष्मी जी पद्म जी का पद्म का मृणाल में रहती है उसमें जाकर उन्होंने आश्रय लिया मैया का चरण में हमको बचा लो और वहां कोई हवन भी करे देवता लोगों को ओम इंद्राय स्वाहा तो इंद्र जी का जो खाने का भाग वो लेके कहा जाएगा तो पानी का अंदर है तो खाना पीना भी, भी बंद हो गया क्योंकि जितना देवता लोग हैं इन लोगों का खाना लेके कौन जाता है अग्निदेव सबसे कनिष्ठ देव वो अग्निदेव क्या करता है सबको का खाना का बंटवारा करते हैं आप सुहा कर दिया और अग्निदेव जाके उसका भाग उसका सामने पहुंचा देता अब उपाय नहीं है बिना खाए एकदम हालत खराब हो गया उसके बाद ब्रह्मोश्री से सारे मिलकर समाधान निकाला भले एक काम करेंगे आ, आपको असमय योग्य कराएंगे आप निकाल आओ किसी भी हालत से आप निकाल आओ ऐसा करके देखो मेरा कहने का मतलब है भागवत जी का एक ही कहन क्योंकि ऑथेंटिक है प्रामाणिक है इसके द्वारा कोई समाधान नहीं निकला आज तक इंद्रो जो इंद्रो अभी इलेक्शन में अभी जो खड़ा हुआ था वो भी अभी चल रहा है मंदांतर में अभी जो इंद्र है उसका पतन अभी नहीं हुआ बाद में होगा एक एक इंद्र चेंज हो जाता है बहुत सारे हिसाब है वो इंद्रों का अभी भी कोई शांति नहीं है बेचैनी हटा नहीं क्योंकि वो शुद्ध भक्ति, भक्ति के लिए तैयार नहीं है शुद्ध भक्ति के लिए तैयार नहीं है संसारी आदमी वो भी तो संसारी है चाहे स्वर्ग में है संसार कहाँ हटा अगर साधु का बेस बना लिया उसका अंदर में संसार भरपूर है चिंतन तो संसारी है गृह मेंधी ये बात को उठाया था महाराज गृह मेधा मेधी शब्द तो कहाँ से आया गृह मेधा आपका जो टैलेंट है आपका जो विचार है बुद्धि है वो संसार के साथ जोड़ा हुआ है जब सब संसार से डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे भगवत के चरण में आपका संसार अपने आप चलेगा भगवान जी आपका कृपा करेंगे आप अगर सोचोगे मेरा एजुकेशन है इतना एजुकेशन तो हमको रक्षा करेंगे हाँ एजुकेशन हमारा है और पैसा है सब कुछ है लेकिन समाधान निकालने का कोशिश करो देखोगे एक भी समाधान नहीं है मैं ये प्रमाण देता हूँ एक गृहस्थी व्यक्ति का एक लोथा बेटा बड़ा ऊंचे खानदान का उसका पिताजी उसको अमेरिका भेजा एडुकेशन करने के लिए ऐसा बड़ा एडुकेशन डिग्री लेके आए कि महाराज वो डिग्री लेके आए इतना रिजल्ट अच्छा हुआ कि इन वो जितना सर बड़े बड़े कंपनी हैं सो उसका पीछे पड़ गया वो प्लेन से उतरने का साथ साथ ही उसका हाथ में ऑफर देगा आप हमारा कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको ये फायदा मिला वो कंपनी बोलते हैं ये आप हमारा कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आपको ये फायदा मिलेगा सारे कंपनी उसका मैसेज भेज रहा है कि हमारा कंपनी ये आप ज्वाइन करो तो उन्होंने बोला अभी तैयार नहीं किया आप घर में जाए विचार करें उसका बात देखेंगे तो महाराज घर में जाके थोड़ा आराम किया और सात दिनों का ही अंदर इसका ऐसा ब्रेन स्ट्रोक हो गया कि वो चलने का लायक नहीं है चलने का लायक नहीं है जलंधर का अमित बोल के शिला भक्तिवल्ल तत्व को सिमा शिष्य है करोड़ों करोड़ों पैसा का मालिक है उसका पिताजी कहाँ नहीं ट्रीटमेंट कराया डॉक्टर ने बोल दिया इसका कोई समाधान नहीं है आज तक वो ऐसा ही है कोई समाधान नहीं मिला तो उसका ऐसा ब्रेन स्ट्रोक हो गया कि महाराज वो जो ब्रेन जो शिक्षा सीख के आए हैं जो एजुकेशन डिग्री लेके आए हैं अभी वो कोई काम का नहीं है पानी में फेंक दो तो अच्छा है क्योंकि दिमाग पूरा गड़बड़ हो गया कोई दिमाग चलाने का हिम्मत नहीं है शरीर तो चलता ही नहीं है दिमाग तो गया आप बोलो आ, वो जो कंपनी वाले जो इतना ऑफर दे रहा ऑफर देगा क्या उसको नहीं देगा ना क्यों इसका तो एजुकेशन है करके आया है महाराज ये एडुकेशन का क्या वैल्यू है लेकिन आप अगर बोले क्यों भक्ति किसको मिल गया भक्ति जिसको मिल गया उसका शरीर अगर विवस हो गया कुछ भी हो गया लेकिन भक्ति अंतरात्मा का वृत्ति है हमने एक उदाहरण दे दे आपको चमक लग जाएगा कलकत्ता में विवेकानंद रोड का सामने वृंदावन से कुछ रामानंदी साधु बहुत अच्छा खासा महात्मा बहुत सुंदर महात्मा भजन करने वाला वो लोग गए हैं उधर क्योंकि उसका दादी माँ उसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं अर्थात दीक्षा लिए हैं तो उन्होंने गए जाने का बाद कथा कीर्तन होगा लेकिन दादी माँ पहले से ही बोल दिया था कि हम अगर असुस्थ हो जाए तो इतना भजन करती थी कि वो दिन भर तुलसी जी को सामने रखकर तुलसी का सामने परिक्रमा और माला करती थी लाठी लेके ऐसा करके ऐसा भक्तिमती पहले से बोल के रखें पोता पोती सबको को कोई भी मेरा सामने रहे मेरा स्थिति को ऐसा हो जाए कि हॉस्पिटल लेने के लिए तू लोग व्यस्त हो जाएगा ऐसा नहीं करना जब मेरा शरीर खराब हो जाए कुछ भी होए मेरे को तुलसी और गंगा जी का मिट्टी रखा हुआ है इसका सामने मेरे को सुला देना और मेरा सामने हो सके तो संकीर्तन करना और एक बात बिल्कुल नहीं भूलना कि मेरा जो माला है गुरु जी दिए हैं अगर हाथ से छूट गया है और माला को पकड़ा देना चाहे कुछ भी हालत हो मेरा लेकिन माला अगर हाथ में हाथ से छूट गया तो जरूर यह ध्यान रखना माला को मेरा हाथ में लगा देना बस यही काम है तेरा हॉस्पिटल फॉस्पिटल नहीं जाना है हमको मरना है तुलसी जी का सामने तो महाराज जब हालत ऐसा होता है कि, कि किसी का दिमाग चलता है दादी दादीमा क्या बोला है तुरंत व्यस्त हो गया इसको एम्बुलेंस बुलाओ ले जाए चले तो उसमें एक महात्मा जो गया था उन्हें बोला दादी माँ तो तेरा तो, तो बोला था दादी माँ हम लोगों को भी जो तो हालात जब ख़राब हो तो इसका ऐसा ऐसा करना बोला अरे हाँ वो तो ठीक ही है लेकिन हॉस्पिटल में लेना जरूरी है तो बचेगा नहीं बोले जो वो बोल के गया वही कर तू उनको सुला दे इसका सामने और मरने का हालात है सब ठीक है कोमा में चला गया वह उसको हाथ में माला पकड़ा दे महाराज सारे शरीर विवश है मेरा गुरु जी का भी उदाहरण है ये लोग जानते हैं 102 साल का उम्र हो गया जब माला हाथ में पकड़ा दिया सारे समय आश्चर्य हो गया सारे शरीर चलता नहीं कुछ भी नहीं लेकिन माला हाथ में पकड़ा दिया तो माला चल रहा है माला चल रहा है ऐसा, ऐसा। मेरा गुरु जी का हाथ में माला नहीं है पूरा पुरुषोत्तम निराचल धाम से कलकत्ता में बिल बेलव्यू नर्सिंग होम में ले ही आ रहा है लेकिन फिर भी माला चल रहा है ऐसा ऐसा हाथ चल रहा है मुख चल रहा है तो महाराज ये जो शिक्षा तरंगो गुरु वैष्णव से आपको मिलेगा ये कोई समाप्त होने वाला नहीं गजेंद्र मोक्षण में देखो प्रमाण हम दे देते हैं हमको गल्प बोलने के लिए बैठे नहीं गजेंद्र मोक्षण देखो वहां पहले ही श्लोक में बताया हुआ है प्राग जनमानु शिक्षितम जजाप जापम प्राग जनवान शिक्षितम ये गजेंद्र हाथी हाथी जो नहीं मिला इसको लेकिन पूर्व जन्म में जो भजन किए हैं इसका प्रभाव हृदय में बस गया अब इसके कारण इसके जवान से पूर्व जन्म में जो शिक्षा है आप बताओ पूर्व जन्म में गजेंद्रो क्या कौन था इंदोदम राजा था ऋषि का चरण में अपराध किया अगस्त ऋषि का चरण में अब आपका सामने प्रमाण तो हम लगा दिया सारे बिना प्रमाण हम बात नहीं करते कैसा हालत हुआ था लेकिन वो हाथी नहीं मिलने का बाद भी हाथी नहीं मिलने का बाद भी वो हाथी का समाधान निकाला कि नहीं ये बताओ हाथी का समाधान निकाला कि नहीं अगर भगवत नहीं सुने हो तो सुन लो किसी अच्छा खासा महात्मा से और विचार करके सुना देंगे कैसे पूर्व जन्म का शिक्षा हृदय में प्रकाशित हो गया और बोलते चले सारे विनय बिनती विनय पंजीका और उसके बाद भगवान स्वयं आ गए और गजेंद्र को ग्राह का फांद से फंदा से बचा लिया है कि नहीं आ, आप लोगों के सामने मेरा विनती है रोज सुबह में उठकर किसी भी हालत से गुरु वैष्णव का नाम बोलना नहीं नीत खोला तो तुरंत जितना सारे वैष्णवों का नाम मुखस्थ है सारे शरण और बंदन करो उसके बाद तुरंत गजेंद्र जी को भगवान बचा रहे ऐसा करके आ गया हरि। उसी जमाने में उस टाइम में उसका नाम था हरि। चक्र लेके आ गया और छलंग लगा के उतर रहे गुरु जी से और चक्र छोड़ दिया और ग्राहक को ऐसा ग्राहत तो विपाटितो इसका एकदम गला काट दिया गजेंद्र को बचा लिया ये दृश्य को इसको हृदय में चिंतन करो जब मरने का टाइम में ये चिंतन करोगे भगवान का बाधा है ददामी विमलाम गतिम जो गजेंद्र मोक्षन को रोज पाठ करते हैं उसका चिंतन करते हैं उसको मरने का टाइम में मैं खोद वो अगर भूल भी जाए मैं जाके उसको याद दिलाता हूं मेरा याद कर भगवान का वादा है ऐसा वादा किसी जगह नहीं है ध्यान से यह बात सुनना चाहे दो दस आदमी बैठा हुआ है मेरा आना इधर कभी भी कर नहीं जाएगा अगर गुरु जी का किपा है मेरा ऊपर यह आना कभी भी कर नहीं जाएगा यह हम बोल के हमारा वाणी को विश्राम देते हैं संसारी आदमी का समाधान है यही है कि गुरु वैष्णव चरण में आश्रय लेकर हरिनाम करो हरि संकीर्तन करो दोबारा बोल रहे हैं हजार बार बोल रहे हैं इसके अलावा कोई दूसरा समाधान है नहीं दूसरा समाधान है नहीं बहुत सारे लंबा चौरा कथा बोलने का टाइम नहीं हम लोग को जाने का भी समय आ गया छो बजे गाड़ी आएगा अब महाराज जी थोड़ा बताएंगे बांछा कल के पासिंद भविष्य पतिता पावन भविष्य में नमो नम